बाबू पुष्ट दो पुष्ट से ही नहीं, मेरे खानदान में 13 पुष्ट से यही जल्लादी का काम होता है। हाँ, उसके पहले मुसलमानी राज्य में मेरे पुरखे डाका डाला करते थे। मेरे दादा के दादा ऐसे प्रतापी थे कि 57 के गदर में उन्होंने इसी शहर के उस दक्षिणी मैदान में सरकार बहादुर के हुक्म से 500 और 325 और 2-10 आदमियों को चंद दिनों के भीतर ही फांसी पर लटका दिया था। उन दिनों वो आठों पहर शराब छाने रहा करते थे, और कैसी शराब, मामूली नहीं बाबूजी, गोरों के पीने वाली अंग्रेजी। मैंने उसे टोका, रामरू क्या अभी फांसी देने के पूर्व तुम लोगों को शराब मिलती है? हाँ हाँ मिलती, क्यों नहीं बाबू, मगर देसी की एक बोतल का दाम मिलता है, विलायती का नहीं, जिसको छान छान कर मेरे दादा के दादा गाहियों के गाही लोगों को काल के पालने पर झुला देते थे। वही मेरे खानदान में सबसे अधिक धनी और जबरदस्त भी थे। लंबे चौड़े तो वो ऐसे थे कि बड़े बड़े पलटनिये साहब उनका मुंह बकर बकर ताका करते थे, मगर उनमें एक दोष भी बहुत बड़ा था, वो शराब बहुत पीते थे। इसी में वो तबाह हो गए, मरते मरते गदर की सारी कमाई फूंक ताप गए। हाँ मैं भूल कर गया बाबू, वो मेरे नहीं बल्कि शराब के नशे में एक दिन बड़ी नदी में कूद पड़े और तब से लापता हो गए। नदी के उस ऊंचे घाट पर हमारे दादा ने उनका चौरा भी बनवाया है, जिसकी सैकड़ों डोम पूजा किया करते हैं, और हमारे वंश के तो वो वीर है ही। अपने वीर परदादा के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए उनकी कहानी पूरी करते करते रामरूप ने धीरे से अपने दोनों कान उमेठे। रामरूप से मैंने कहा, अच्छा जाने दो अपने पुरखों की कहानी, वो बड़ी ही भयानक है। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे कोई बच्चा बच्ची है? नहीं बाबू, मेरी औरतिया के कोई 7 बरस हुए एक लड़का हुआ जरूर था, मगर वो 2 साल का होकर जाता रहा। बच्चे तो वैसे भी मेरे खानदान में बहुत कम जीते हैं, न जाने क्यों, जहां तक मुझे मालूम है मेरे किसी भी पुरखे का 1 से ज्यादा बच्चा नहीं था, मुझको तो वो नसीब नहीं। मेरी लुगैया तो अधभूढ़ी हो जाने पर भी अभी बच्चा बच्चा रिरियाया करती है, मगर ये मेरे वश की बात कहाँ। मैं तो आप ही चाहता हूँ कि मेरे एक वीर बच्चा हो जो हमारे पुश्तैनी रोजगार को मेरे पास संभाले, पर जब दाता देता ही नहीं तब कोई क्या करे। अच्छा, मतलब तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के अलावा कोई नहीं, तब तुम इसी भिकमंगे को क्यों नहीं पालते? तुमने कुछ अंदाज लगाया, कैसा है उसका मिजाज, ये तुम्हारे यहां खप जाने लायक है? बाबूजी है तो मेरी लुगैया उसको चाहती भी है, पर मेरे अंदाज से वो अलियार कुछ दब्बू और डरू है। मेरे लड़के को तो ऐसा निडर होना चाहिए कि जरूरत पड़े तो बिना डरे काल का भी खाल खींच ले और जान निकाल ले। ये मगज छोकरा भला मेरे रोजगार को क्या संभालेगा? अरे भाई, तो कोई दूसरा रोजगार देख लो ना, छोड़ो इस हत्यारे व्यापार को, इसमें भला तुम्हें क्या आनंद मिलता होगा? तुम्हारी छाती गजब की है, जो तुम लोगों को प्रसन्न भाव से बेत लगाते हो और फांसी के तख्ते पर चढ़ाकर अपने परदादा के शब्दों को काल के पालने पर झुला देते हो, मगर ये सुंदर नहीं है। आप कहते हैं ये सुंदर नहीं, नहीं बाबूजी, हमारे लिए ये परम सुंदर है। आप जानते ही हैं, मैं आप लोगों की नीच जाति का एक तुच्छ प्राणी हूं, आप तो नए ख्याल के आदमी हैं, इसलिए ना जाने क्या समझकर इस लड़के के प्रेम में मेरी झोपड़ी तक आ गए, नहीं तो मैं और मेरी जाति इस इज्जत के योग्य कहा। मेरे घर वाले यदि जल्लादी ना करते तो आप लोगों के मैले साफ करते और कुत्ते को मारते, मगर कुत्तों को मारने से तो आदमी को मारना कहीं अच्छा है, इसे आप भी मानेंगे ही। यद्यपि मेरी समझ से कुत्ता मारना और आदमी मारना जल्लाद के लिए एक ही बात है, हमारे लिए वो भी अपरिचित और निरपराध है, और ये भी दूसरों के कहने से हम कुत्तों को भी मारते हैं और कुत्तों से ज्यादा समझदारों आदमियों को भी।